लोग यहाँ पे रहे, बारबेक्यू करते हैं और वाटरफॉल में आके शाम तक के रहे, यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। देखिए ये आपको यहाँ पे चारों तरफ खजूर के पेड़ चारों तरफ मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है इतनी जो कि नमी रहती है, पानी रहता है, तो उसकी वजह से ये पूरी वादी जो है बहुत ही खूबसूरत वादी है, वादी होकैन। ये वाटरफॉल का पानी दिन भर इसमें इतनी स्पीड से आता रहता है, इसमें कि लोग आके बहुत लोग आके नहाते हैं। ये तकरीबन पानी दिन भर जो है ऐसे ही चलता रहता है। और उसके पीछे आप देख सकते हैं कि ये हजर माउंटेंस हैं, और ये जो रास्ता आप देख सकते हैं अपने राइट हैंड साइड में, यही एक रास्ता है जो आपको वादी हुकैन तक लाता है। ये वादी हुकैन के लिए 7 किलोमीटर आपको जाए इस सर्विस रोड पे, सर्विस रोड से अंदर आके 7 किलोमीटर आपको अंदर आना है। आइए अब हम आपको आगे लेके चलते हैं, क्योंकि वादी हुकैन में अंदर जाने का और भी रास्ते में कुछ जगहें हैं जो आपको हम व्यू कराते हैं। बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है यहाँ पे मस्कत सिटी से जस्ट 125 किलोमीटर के बाद, तो आप यहाँ आएँ और एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ।
बहुत लोग आए हैं यहाँ पे आज, और वहाँ पे जाके बहुत से लोग बातिंग भी करते हैं। बहुत अच्छा है मस्कत का, क्योंकि अभी यहाँ पे दिसंबर मंथ चल रहा है और इस टाइम पे वेदर बहुत अच्छा रहता है। तो लोग अपनी फोर व्हील से वादी के नीचे तक भी जा सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी वादी के नीचे गई भी है। तो उससे लोग ईजिली एक्सेसिबल है यहाँ पे, ईजी वे है कि आप अपनी जो है अगर फोर व्हील है तो इट इज़ द बेस्ट थिंग, यू कैन गो इन वादी ऑल्सो। ये बोर्ड हमारे मस्कत म्यूनसिपैलिटी की तरफ से लगाया गया है, और लोगों को ये चूँकि पार्किंग एरिया है और यहाँ पे हमें पार्किंग करनी होती है व्हीकल की एंड वादी हुकैन। और हम अब यहाँ पर नीचे आ गए हैं वादी में, जहाँ पे कि आप देख सकते हैं लोग नहा रहे हैं, दे आर डूइंग बाथिंग बिकॉज दिस वादी इज़ वेरी गुड।